एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पाखी फैमिली व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और अभी सुबह का टाइम है और मैं बैठी हूँ अपनी फेवरेट जगह, पूरे घर में सबसे फेवरेट जगह मेरी छत पर। और अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है और घटा हो रही है बहुत ज़्यादा, सूरज का तो नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है और धूप दो दिन से यहाँ पर धूप नहीं निकली है, यानी कि घटा हो रही है, बादल हो रहे हैं, बारिश तो नहीं हुई है पर हाँ मौसम ठंडा हो गया है। और आज है हमारे घर में पूजा, पूर्णवासी है क्योंकि आज पूर्णिमा है, तो सोमवार की पूर्णिमा है। मम्मी मेरी व्रत रखती है सत्यनारायण जी का, तो उसी के उसमें मम्मी ने व्रत रखा हुआ है। अभी हम कहीं जा रहे हैं, मैं, भाभी और भैया, और वहाँ से आने के बाद में हम आ जाएंगे, 4 बजे तक आ जाएंगे वहाँ से, और फिर 4 बजे होगी पूजा। तो वैसे तो मैं बीच में तो कोई वहाँ का तो मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी क्योंकि वहाँ आना जाना है, वहाँ का वीडियो नहीं बना पाऊँगी, पर हाँ मैं शाम का पूजा का जो वीडियो है वो पूरा बनाऊँगी क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं जो पूजा वाला वीडियो है वो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी सुबह सुबह का टाइम ही हो रहा था, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बातें कर लेती हूँ पहले, फिर तो नहीं हो पाएंगी, फिर मुझे जाना भी है तो ज़्यादा बातें नहीं हो पाएंगी। और यहाँ का मैंने आपको दिखाया ना, खेत ही खेत, इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऊपर से धूप नहीं है, पंछी वंछी मैं कह सकती हूँ कि लोग ना बाहर जाते हैं घूमने के लिए, पर जो सुकून और जो हरियाली और हर चीज़ जो गांव में मिल जाती है ना वो कहीं भी नहीं मिलती। ये बात बिल्कुल सही है, जो चीज़ गांव में मिल सकती है ना आप लोगों को कहीं भी नहीं मिल सकती। वो होता है ना जब हम कहीं जाते नहीं हैं, कहीं रहते नहीं, तो उस चीज़ का वो होता है। जब हम गाँव में रहते थे तो हमें ये था कि नहीं शहर में रहना है, शहर में रहना है, पर जब अब शहर में रह रहे हैं तो याद आती है वो सब चीज़ें जो कि गांव में है, और शहर में तो नामो निशान नहीं है उन सब चीज़ों का। वो है सुकून, सबसे बड़ी बात वो है सुकून, जो कि शहर में उसका नामो निशान भी नहीं है। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे क्योंकि मुझे आज बहुत सारा काम है और कल है 18 तारीख। मुझे कमेंट भी आया था इस बात का कि आप अपने मामा के यहाँ नहीं गई क्या, तो मैं मामा के यहाँ जाऊँगी कल 18 तारीख में और आज है 17 तारीख। तो अभी हम नीचे चलते हैं और 2 दिन तक पूरा यही जाने वाला है, आज का पूरा दिन ऐसे ही जाएगा और कल का भी पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। और तो चलिए फ्रेंड्स अभी चलते हैं नीचे और नीचे जा कर के तैयारी करते हैं पहले जाने की, फिर पूजा के बहुत सारे काम हैं। तो अभी मिलती हूँ मैं आपसे, थोड़ी सी देर में बातें करूँगी। तो चलिए नीचे चलते हैं, काम देखते हैं जो भी है थोड़ा बहुत, वैसे तो है नहीं। और यहाँ पर ये पड़ा था निम्बोली का, बहुत सारी निम्बोली हो रही है गाँव में ना, निम्बोली ही निम्बोली है क्योंकि इन दिनों में होता है ना, पतझड़ भी चल रही है, निम्बोली नीम के पेड़ के सारे में पत्ते ही पत्ते, सारे में पत्ते ही पत्ते और हरियाली ही हरियाली है यहाँ पर। तो चलिए अभी चलते हैं, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो अभी मैं काट रही हूँ यहाँ पर न्यार, और ये थोड़ी सी मक्का रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो गाय को थोड़ा सा हरा डल जाएगा। और कौन कौन ऐसा काम जो भी गांव से हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, वो कौन कौन ऐसे काम करते हैं अपने घर आकर के, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और मेरे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करना, और बीच बीच में मेरे हाथ भी दुखने लगे तो ये थोड़ा सा ही रखा हुआ था, मैंने सोचा कि ये सूख जाएगा, मुझे बहुत टाइम हो भी गया था। और इससे बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, हाथ की जो मशीन होती है, ये जो शहरों में करते हैं ना एक्सरसाइज करना, जिम करना, वो सब कुछ करना, और गाँव में तो ये बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है इनकी। और मैंने इसको काट के सब जो थोड़ा थोड़ा सा सभी गायें जो बछड़े हैं उनको सबको डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके, और गाय को बहुत ज़्यादा पसंद होता है जो हरा घास होता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो अभी हम जहाँ गए थे वहाँ से आ गए हैं, हम मेरठ गए थे तो वहाँ से आ गए हैं,
और हमने सोचा था कि मम्मी ने बोला था हमें फ़ोन करके कि शाम के 4 बजे तक पूजा हो जाएगी तो तुम जल्दी से आ जाना, पर यहाँ आकर के देखा तो पंडित जी को बहुत देर से बोला हुआ है पर वो अभी तक आए ही नहीं हैं। शाम का टाइम होने लग रहा है, सब कुछ लेट हो रहा है और फिर कन्या पूजन भी करना, तो सब चीज़ों के लिए फिर लेट ही हो जाएगा और अभी तक पंडित जी आए ही नहीं हैं, तो सबका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है इस टाइम। क्योंकि जब हम पूजा पाठ कराते हैं घर में वो सब कुछ चीज़ें टाइम से ना हो तो मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। हर चीज़ में अपनी अपनी श्रद्धा होती है, पूजा पाठ में मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है तो इसी वजह से उनका बहुत ज़्यादा मन दुखी हो रहा है आज। और वो सुबह से व्रत है उनका सुबह से, और आज उन्होंने बोल दिया था हम सुबह में ही करा लेते, जो पूजा होती है वो सुबह में हो जाती पर ये शाम को ही होती है, जब व्रत खुलना होता है तो शाम को ही होती है, तो मन परेशान हो ही जाता है। और अब जब हम उसको फ़ोन कर तो रहे हैं पर अभी तक भी नहीं है, और शाम के 5 बजने वाले हैं पर अभी तक नहीं आए हैं, और पता नहीं कब तक आएंगे। सारी तैयारी वैयारी जो भी है पूजा की वो सब हो गई है, बस वो आ जाए तो पूजा हो जाएगी और फिर खाना पीना भी, आधा तो खाना बन गया है और बस पूरी पूरी उतारनी है, तो वो तो साथ के साथ में गरम गरम जो पूरियाँ हैं वो साथ के साथ में उतर ही जाएगी, पर वही है जो ज़रूरी काम है पूजा का वो हो जाए पहले, और काम तो बाकी बाद में भी हो जाएगा। और अभी देखते हैं, अभी फ़ोन वोन कर तो दिया है, वो आ जाए तो जल्दी से ये सब काम ख़त्म हो ही जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं और थोड़ा बाकी जो काम है वो कर लेते हैं, और उसके बाद में मैं आप लोगों से, पता नहीं बातें होगी या नहीं क्योंकि रात को फिर लेट हो जाएगा और यहाँ इतनी लाइट नहीं है जो कि अच्छे तरीके से बात हो पाए, क्योंकि लाइट वाइट का थोड़ा सा ऐसा ही रहता है यहाँ रात के टाइम में। यहाँ जो बाहर वाले जो बल्ब था वो तो चेंज हो गया था, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़े दिन ही तो रहना है, क्या सारे बल्ब बल्ब चेंज करने। तो चलिए अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं और फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो अभी पंडित जी आने वाले हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा, मम्मी बोले कि झाड़ू पोछा लगा दो क्योंकि जहाँ पर पूजा होती है वहाँ बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, तो मैं अभी यहाँ पर झाड़ू और पोछा दोनों चीज़ लगा दूँगी। शाम का टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि सब सुबह से वेट कर रहे थे पूजा होने का, और वही बात हो गई, सबको लेट हो गया बहुत ज़्यादा, पर कोई बात नहीं, देर से आए या जब भी आए पर हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पूजा का जो काम होता है ना बहुत ही सीरियसली लिया जाता है मेरे घर में, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है, बहुत मानती है भगवान को, तो बहुत मतलब जिसकी श्रद्धा होती है तो उनको थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। तो यहाँ पर पापा के फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो पापा मेरे से पूछ रहे थे, तो साथ के साथ मैंने वो पापा जी को बताने लग रही हूँ। और मेरी यहाँ पर भी यही आदत है सर पर चुन्नी बांधने की, और मेरी मम्मी को भी यही आदत है, सेम मेरे जैसी ही आदत है जैसे कि मुझे आदत है, उनको भी यही आदत है मेरे जैसी। तो ये बाहर में मैं रड़का लगा दूँगी, और ये जो रड़का होता है ये तूड़ी की जो लकड़ी होती है, जो सरसों के पेड़ होते हैं उनसे लकड़ियों से रड़का बनाया जाता है, हमारे यहाँ इसको रड़का ही बोलते हैं, और इससे बहुत अच्छी झाड़ू लगती है, बाहर में इसी से लगा देते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से सब काम फिनिश कर रही हूँ और बच्चे भी इधर उधर सब घूम रहे हैं, कितनी चहल पहल होती है ना, बहुत ज़्यादा चहल पहल है सब बच्चे हैं। और हम तो मम्मी से बोल भी रहे थे कि जब मम्मी हम चले जाएँगे सब लोग तो कैसे होगा, कैसे मन लगेगा, बिल्कुल खाली खाली सा हो जाएगा घर बिल्कुल ही, अब कितने सारे बच्चे हो रहे हैं यहाँ पर। और मैंने सारा फर्श वर्श सारे में क्लीन कर दिया है, पूरा घर क्लीन हो गया है, सारे में झाड़ू भी लग चुकी है। प्रभु विनी ओरे न दूजा
आशीकारों में जिसी की हरि ओम जय जगदीशी हरे तुम्हा पूर्ण करे महाशिव तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हा अंतर्यामी हरे ब्रह्म परमेश्वर हरे ब्रह्म जगदीश्वर। तो पंडित जी आ गए हैं और पूजा तो हो गई है, जो कथा होती है वो हो गई है और अभी हो रही है आरती और बहुत अच्छा लग रहा है सबको साथ में, सब लोग ऐसे साथ में बैठे हैं, सब साथ में पूजा कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है पूरी फैमिली साथ में। पंडित जी को थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि वो कहीं और भी पूजा करने के लिए गए थे, वो यही बोल रहे थे क्योंकि आज सोमवार है और पूर्णिमा भी है सत्यनारायण की, सब लोग कथा कराते हैं, बहुत लोग कथा कराते हैं, और वो ये भी बोल रहे थे कि पहले से आप लोगों ने बोल तो दिया था पर मुझे टाइम की टाइम तक बहुत सारे फ़ोन आते रहे, इस वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, और लेट तो हो गया पर ये है फाइनली हाँ पूजा जो है वो हो गई है और आरती भी हो गई है। मम्मी ने प्रसाद बना करके रखा हुआ है जो कि प्रसाद बनता है चून और शक्कर का, इसको बोलते हैं शायद कसार बोलते हैं, हाँ कसार बोलते हैं। तो अभी सबको इनको यहाँ पर भी प्रसाद मिल जाएगा और फिर पापा जो हैं वो यहाँ से बाहर भी बांट आएंगे। और यहाँ पर क्या हुआ ना, प्रसाद सबसे शुरू में गाय को दिया तो सब बच्चों को क्या लगा कि प्रसाद गाय को ही देना है, तो दो तीन तो जा करके सारा प्रसाद जो भी था वो सब गाय को ही दे आए, बच्चों को इतना नहीं पता होता है वो, तो फिर अंशुल ने देखा कि सब बच्चे जो है वो प्रसाद गाय को क्यों दे रहे हैं क्योंकि सबसे पहले गाय को देने को पंडित जी ने बोला था, तो बच्चे भी साथ के साथ वहीं दे के आ गए। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगेगा, मुझे इच्छा थी कि मैं आप लोगों के साथ में ये सब चीज़ें शेयर करूं और तो मैंने की है। अभी खाना बनाने की तैयारी हो रही है क्योंकि कन्या पूजन करना है, तो सब्जी और खीर तो बन चुकी है और चूल्हे पर बनानी है पूरी, तो उसी के लिए चूल्हे पर जो है वो जल्दी से खाना बन जाता है, गैस पे इतना टाइम लग जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है रसोई में, तो उसी के लिए मम्मी ने चूल्हा जला लिया है और बहुत जल्दी जल्दी से सारी पूरियाँ जो हैं वो यहीं पर बन जाएगी, सब साथ में बाहर बैठ भी जाएंगे। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, साथ में सब लगे हुए हैं, बहन भाभी मैं मम्मी सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग जल्दी कर रहे हैं तो सारा काम जो है वो जल्दी से फिनिश हो जाएगा। और आज खाने में बने थे आलू और चावल को पीसकर खीर बनाई थी भाभी ने, बहुत टेस्टी बनी थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मैं अगर मुझसे बनी तो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, चावल को पीस करके खीर बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा स्वाद लग रही थी। और तो अभी मैं साथ के साथ में पूरी बेल रही हूँ चकला बेलन से क्योंकि जो मशीन होती है उससे अच्छे से दब नहीं पाती है, तो मैं चकले बेलन से यहाँ पर पूरी बेल रही हूँ और सबका जो खाना है बच्चों का वो भी गल गया है और साथ के साथ में सारा खाना पीना भी हो जाएगा। एक बार कन्या पूजन हो जाए तो उसके बाद में तो सब लोग बैठ करके खा ही लेंगे। और बाहर में इतना अंधेरा नहीं हो रहा है अभी क्योंकि बाहर जो है वो लाइट जलाई हुई है, छोटी बड़े वाली लाइट मैंने मंगा ली थी, बड़े वाली लाइट लगाने से क्या हो गया कि सारे में बहुत अच्छी रोशनी आ रही है बाहर, और मशीन से इतनी अच्छी पूरियाँ नहीं बनती है जितनी कि चकले बेलन से आप अपने उस हिसाब से मोटी या पतली कर सकते हो। और बेलन चकले बेलन से बनाई हुई पूरी जो होती है वो फूलती भी है, मशीन से जो है वो मोटी हो जाती है। तो सारा काम साथ साथ में चल रहा है, बच्चों का खाना पीना भी सब कुछ। और मैं मतलब इस वीडियो को आज के आज में भी कर देती पर मेरे पास में एक एडवांस बनी हुई थी, वरना तो मैं आज के आज भी कर देती पर आज तो ये हो ही नहीं पाती क्योंकि एडिटिंग वेडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और फिर इतना टाइम तो थोड़ा बहुत गैप एक वीडियो में होना चाहिए क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं कल को कहीं चली गई तो फिर मामा के चली गई तो पता नहीं टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, वहाँ का नेट का प्रोसेस क्या है और क्या नहीं, तो इसलिए मैं यही सोच रही थी कि मैं यहीं पर इसको रेडी करके आज ही डाल करके छोड़ दूँ, पर ऐसा नहीं हुआ। तो अभी जो है वो कन्या वन्या का सब कुछ हो जाएगा, फिर हम सब लोग बैठ करके साथ में खाना खाएंगे। और
और अभी सब लोगों का खाना पीना हो गया है और पूजा वूजा का भी सब काम ख़त्म हो गया, तो सबसे लास्ट में हम बैठे हैं खाना खाने के लिए और सबसे सब लोग बैठे हुए हैं क्योंकि सारा काम वैसे तो फिनिश हो गया। जिसने खा लिया है, बड़ी मम्मी ने खा लिया है तो वो हमें खिला रही है, और इतने सारे बर्तन हो गए थे तो इसलिए वो सारे बाहर रख लिए क्योंकि इतने सारे बर्तन खड़े हो गए तो साफ़ नहीं होंगे, तो मैं और भाभी दोनों साथ में मिलकर के सारे ये बर्तन जो है वो साफ़ कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखने में ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपके कमेंट का आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी।